बरसात की रिमझिम बूंदे हो और उसमें पकौड़े किसे खाने को मन नहीं करेगा। मेरे पास दो केले पड़े हुए थे तो मैंने कुछ नया बनाने की सोचा। चलिए आज हम कुछ नया करते हैं। इसके लिए मैंने एक आलू लिया बड़ा, जिसको छील करके कद्दूकस कर लिया, और केले को हमने छील लिया है, छिलका निकाल लिया है, और दो प्याज को हमने छिलका निकाल लिया है। इन सबको हम वॉश करके आलू को कद्दूकस कर लेंगे और इसको हम भिगो देंगे, और फिर प्याज को चॉप कर लिया खूब बारीक। बेसन दो कटोरी, चावल का आटा एक कटोरी, और धनिया पत्ती 3 चम्मच, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, और लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और हल्दी 1 चम्मच, और अजवाइन 1 छोटी चम्मच। इन सबको हम ऐड करके मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद ढक करके 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। पाँच मिनट के बाद हम जो केला छीले हुए थे उसको हम ग्रेट कर लेते हैं, और जो आलू को हमने ग्रेट किया हुआ रखा था उसको हम निचोड़ करके ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद बढ़िया सा टाइट डो तैयार कर लेते हैं, और उस डो को अपने इच्छा अनुसार आकार दे देते हैं, चाहे राउंड शेप या फिर लॉन्ग शेप में। आप चाहें तो और तीखापन बढ़ा सकते हैं हरी मिर्च कट करके डाल करके। ऑलरेडी मैंने रेड चिली और पेस्ट उसका डाला था, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। दूसरे साइड में हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, और फिर जो हमने बॉल बनाया है उसको हम फ्राई करते जाएंगे। इन सबको हम हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये इतना कुरकुरा और इतना स्पाइसी होगा आप यकीन नहीं करेंगे। आप इसे वेज स्नैक्स का भी नाम दे सकते हैं, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही क्रिस्पी है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिए। आपका क्रिस्पी स्नैक्स तैयार है। देखा, इसका टेस्ट भी ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है, वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, गारंटी है आपको पसंद ज़रूर आएगा।